Hello everyone, I'm Dipanshi and welcome you to my channel. I hope that you all are doing really well. तो गाइज आज के इस वीडियो में विच इज़ बेसिकली अ व्लॉग, तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहीं पास में 12 सेक्टर में एक लगी है मार्केट विच इज़ द तिब्बत मार्केट. तो वो मार्केट क्या है, वहाँ क्या मिलता है और क्यों लगती है मार्केट, तो वो सब मैं आज आपको इस व्लॉग में बताऊंगी. सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच द होल वीडियो, बहुत सारा मज़ा आएगा आपको इसमें और बहुत कुछ देखने को मिलेगा. यो गाइज वन क्विक नोट कि मेरे एक यूट्यूब चैनल पर गिव अवे लाइव है, तो अगर अभी तक आपने उस गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया देन गाइज हरी अप एंड पार्टिसिपेट इन दैट गिव अवे बिकॉज आपको बहुत अच्छे एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे. सो या यू कैन चेक आउट माई वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं एकदम रेडी हूँ आ जाने के लिए, आई जस्ट हैव टू चेंज एंड देन विल गो देयर. तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगी ताकि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लूँ और एट अराउंड 11ish तो मैं वहाँ चले जाऊँगी. सो यार सो गाइज आई हैव स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस और अब मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ. सो थोड़ी दूर ही है मार्केट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पहुँचने में एंड सून वी विल रीच. सो गाइज मैं तिब्बत मार्केट में आ चुकी हूँ और ये वाली जो मार्केट है विंटर कलेक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या विंटर कलेक्शन आई है. सो कम विद मी. तो इस मार्केट की एंट्री जो थी फ्री थी, आपको सब चीज़ों का लुफ्त फ्री में मिलेगा, कोई टिकट नहीं थी तो मैं तुरंत ही अंदर गई एंड लेट्स सी अंदर क्या क्या है. तो एज आई एंटर द एरिया तो मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, देर लाइक 30 स्टॉल्स और हर स्टॉल पर आपको डिफरेंट वैरायटी मिलेगी. जैसे किसी स्टॉल पर आपको सिर्फ शॉल्स मिलेंगी, कहीं आपको ऐसे पोंचू मिलेंगे और कहीं पफर जैकेट्स मिलेंगी, तो ये सब इस व्लॉग में दिखाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, आई एम एक्साइटेड. तो पहले मैं आपको इस मार्केट के बारे में बता दूँ, तो ये मार्केट हमारे तिब्बत के रेफ्यूजीज़ जो है वो हैंडल करते हैं. पहले टाइम पर ये मार्केट छोटे स्केल पर लगती थी बट अब ये काफ़ी लार्ज स्केल पर लगती है एंड दिस हैज़ बीन वेरी मच फेमस दीज डेज और विंटर कलेक्शन के लिए लगती है मार्केट एंड दिस इज़ ऑन ग्राउंड फॉर 3 months, 3 महीनों के लिए लगती है मार्केट. सो लेट्स सर्च इट आउट कि क्या कलेक्शन आई हुई है. यहाँ पर जितना भी स्टफ़ है ना सबकी क्वालिटी A1 है. यहाँ जो वूल यूज़ हुई है, जो कुछ भी यूज़ हुआ है, सब कुछ ना बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो यहाँ की आप क्वालिटी देख सकते हो, तो हाथ लगाने में पता चलता है हाउ मच वार्म द थिंग इज़. तो हर चीज़ की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसी वजह से उसके जो रेट्स हैं आर काइंड ऑफ हाई. ऐसा नहीं है कुछ भी चीप क्वालिटी हो तो उनके चीप रेट्स, रेट सबके अच्छे थे. अच्छा तो ये वाला जो कोट सेट है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. आपको इसमें ऊपर के लिए कोट टाइप मिल रहा है एंड देन यू हैव द स्पेगेटी फॉर अंडर. मैंने एक कार्डिगन भी देखा था जिसको आप फ्रंट से टाई अप कर सकते हैं एंड दिस वॉज लुकिंग वेरी मच प्रिटी. आप देखो हाउ निटेड द मटीरियल इज़ एंड हाउ गुड इट इज़. ये मैंने एक ड्रेस देखी थी विच वॉज काइंड ऑफ ओके, बट ये जो वाला फर टॉप था दैट वॉज रियली नाइस और बहुत ज़्यादा वॉर्म था. एज यू कैन सी कि पफर जैकेट की पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पर एंड सामने वाले स्टॉल में सारी शॉल्स की लाइन है एंड स्टॉल्स की तो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी वहाँ पे विच वॉज़ रियली नाइस. तो अगर प्राइस की बात करें तो सबका प्राइसिंग रेंज थोड़ा हाई था, सब कुछ ही 500 प्लस था, कुछ 680 का था और जो मैंने कोट सेट दिखाया वो 1190 का था और ये पफर जैकेट्स इस सब की रेंज हमारी 1000 प्लस थी. तो ओवरऑल मुझे कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. देन वी वेंट टू दिस शॉप, तो यहाँ पर इतने सारे ट्रेंडी टॉप्स थे जैसे कि ये फर वाला हो गया, देन दिस टैंक टॉप एंड ऑल्सो दिस ट्रैप टॉप, ये काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेंडी है और विंटर कलेक्शन में ट्रेंडी कपड़े ढूंढना इज़ अ चैलेंज. तो मुझे मिले सो आई थॉट लेट्स चेक इट आउट, तो मैंने चेक किया. I was in desperate need for black plain sweater, but मुझे वो तो नहीं मिली. तो मैंने उसके कुछ ऑप्शन देखे थे जो कि मुझे खास पसंद नहीं आए, बट उसके अलावा there was a very good collection on stall number 14. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, अगर आप जा रहे हो तो इसको ज़रूर विजिट करो. उसके बाद मैंने देखा ये निटेड पुलओवर जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, द कलर इज़ टू डाई फॉर और जो निटेड पैटर्न है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. और ये टॉप मैंने देखा दिस वॉज फॉर 370 रुपीज़ एंड दैट ग्रीन पुल ओवर वॉज फॉर 680 रुपीज़. तो हाँ प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी.
ट्रेंडी टॉप्स में फ्रंट टाई नॉट वाले टॉप काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये भी उसमें एक ऑप्शन था। एंड जेंट्स के लिए भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, इवन फॉर बॉयज़। और फेस्टिव सीजन में इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर वेस्ट, तो काफ़ी ही अच्छी कलेक्शन थी वहाँ पर। एक स्टॉल थी जो कि पूरी इसी के लिए डेडिकेटेड थी। देन आई ट्राइड ऑन दीज ईयर वट एवर जो भी इसको कहते हैं, एंड दीज वर रियली वॉर्म। और पोंचू तो काफ़ी ही सारे थे वहाँ पर, दिस वॉज फॉर 300 रुपीज़। तो गाइज़ आप इधर उधर देखोगे ना, ये वाले जितने भी स्टॉल्स हैं सारे हमारे जेंट्स और बॉयज़ के लिए डेडिकेटेड स्टॉल्स हैं, यहाँ पे सारी वैरायटी उनके लिए हैं। और किट कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी वहाँ पर, मैंने देखा कि छोटे छोटे फर कोट्स थे बच्चों के लिए, एंड आई रियली लाइक देम। जो क्वालिटी थी वॉज रियली नाइस। सो दिस इज़ वॉट आई हैव शॉप्ड फ्रॉम द तिब्बत मार्केट, और अब टाइम है घर वापस जाने का। सो ओवरऑल मेरी तरफ से दिस मार्केट इज़ 9/10, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, द आइटम्स वर रियली गुड, और उसी के हिसाब से उसके प्राइजेस भी थे। तो बाहर अगर आप जाओगे ना तो आपको ये कुछ खाने की जगह मिल जाएगी, आप यहाँ पे खा भी सकते हैं। सो वेल, दिस वाज ऑल फॉर माय वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, और अब मैं घर वापस जा रही हूँ। सो अगर आपको ऐसे ब्लॉग्स और ज़्यादा चाहिए, देन डू लेट मी नो अबाउट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, देन गाइस डू सब्सक्राइब टू इट। यू विल बी वॉचिंग मी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।